जुगाड़ कर, देसी जुगाड़। ये देखो मौसम धीरे धीरे बादल आ रहे हैं, वहां पर ले जाएंगे पानी। मौसम आप लोग देख सकते हो का। और गाइस जब भी बारिश आने वाली है तो अभी एक पुराना कल्चर है, जब बारिश नहीं होते तो यहाँ पर आते हैं सभी लोग, आते हैं औरतें वगैरह और सब बच्चे लोग आते हैं। तो यहाँ के कारण हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग बड़े होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए व्लॉग में। तो गाइस काफी दिनों के बाद फिर से आ गया है आपका भाई एक न्यू व्लॉग के साथ में। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा 10 दिन हो गए मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी व्लॉग नहीं आया था, क्योंकि कुछ काम की वजह से हो गया था, इतना गैप ले लिया मैंने। तो अभी आज से रेगुलर व्लॉग आएगा, डेली नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन बाद में व्लॉग आ ही जाएगा। अभी बज रहे दोपहर के 3 और चेक दिस आउट गाइस, मौसम आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा ऑसम हो चुका है। बादल आ गए, बादलों के अंदर काफी ज्यादा गोर हो रही है। काफी महीनों के बाद में कुछ इस तरह का मौसम देखने को आज हमें मिला है हमारे राजस्थान में, हमारे गांव में, क्योंकि कुछ महीनों से इतनी ज्यादा धूप और इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, क्या ही बताऊं आपको। इतनी गर्मी के अंदर व्लॉग भी बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, अब हो गया, अब बारिश वाला मौसम और चौमासा आ गया, खेत वगैरह बोएंगे, खेत वगैरह बोने का टाइम आ चुका है। तो ये देखो अभी हमारा खेत ऐसा कुछ इस तरह का दिख रहा है और मौसम भी आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बादल आ गए और अब बारिश भी आने वाली है। और ये आप लोग शांति सुन सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की आवाज सुन सकते हो आप, और ये एकदम शांति। और गाइस जब भी बारिश आने वाली है तो अभी यहाँ से चलते हैं पहाड़ की तरफ और मिलते हैं आपसे वहाँ पर जाने के बाद में। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैं आ गया हमारे यहाँ पर तालाब पर, और ये देखो पहले कितने ज़्यादा, थोड़ी देर पहले कितने ज़्यादा बादल थे, ऐसा लग रहा था बारिश आने वाली है। तो अभी मैं आ गया तालाब पर, तो हमारे यहाँ पर बारिश हो ही नहीं है और बादल आते हैं फिर बाद में चले जाते हैं, तो बारिश नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पर एक पुराना कल्चर है, जब बारिश नहीं होते तो यहाँ पर आते हैं सभी लोग, आते हैं औरतें वगैरह और सब बच्चे लोग आते हैं, तो पक्षियों के लिए दाना वगैरह डालते हैं, धान वगैरह। तो यहाँ पर ही आप लोग देख सकते हो बच्चों के लिए खाना वगैरह भी बनाते हैं, दुआ करते हैं। ये देखो काफ़ी अच्छी सफाई कर दी है बच्चों ने पहले से ही, तो आज हो सकता है यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम हो और यहाँ पर बैठ कर सभी बारिश का इंतज़ार करते हैं और पक्षियों को दाना वगैरह डालते हैं। तो हम भी आ गए यहाँ पर, अभी तो यहाँ पर कोई नहीं है और देखते हैं यहाँ पर आते हैं तो आपको सब कुछ दिखाऊंगा किस तरह का माहौल बनता है। तो बने रहे आप लोग हमारे साथ में एंड तक। अभी देख सकते हो थोड़े थोड़े बादल है, दूर दूर तक बादल दिख रहे हैं और बादल आते हैं फिर बाद में चले जाते हो, बारिश होती ही नहीं है। तो ये चेक करो, ये सफाई कर दी यहाँ पर काफ़ी अच्छी, तो यहाँ पर देखते घंटे दो घंटे के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको दिखाएंगे, या फिर आज नहीं तो कल तो पक्का है, तो आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। कल प्रोग्राम होगा तो भी दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा ही बाकी है तो एक स्पेशल व्लॉग आएगा। तो थोड़ी देर यहाँ पर आराम करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से, देखते काफी अच्छी ठंडी सा है यहाँ पर, तो आराम करते हैं थोड़ी देर के बाद में चलते हैं। देखो हमारा तालाब भी यहाँ पर खाली पड़ा है और ये भी इंतजार कर रहा है पानी का, कब बारिश आए और कब ये पूरा भर जाए। ये देखो यहाँ पर क्या ही माहौल बनता है जब ये भर जाता है, पूरे पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे, वहाँ पर हिरन वगैरह नील गाय भी दिख रही है हमें। जब भी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर आराम किया है तो अभी हम चलते हैं घर पे, देखते हैं बीच में क्या करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो अभी हम फटाफट से घर पे चलते हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत हमें भूख लग चुकी है, तो अभी चलते हैं घर फिर बाद में दिखाते हैं, यहाँ पर आते हैं यहाँ का माहौल दिखाते हैं। तो अभी फटाफट से चलते हैं घर, काफी ज्यादा धूप आ चुकी है, तो ये चेक करो धूप आ गई, धूप भी आ गई है और बादल भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो हवा चल रही है लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ पर, अभी बारिश का इंतजार करते हैं। और गाइस अभी मैं आ गई यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हो छोटी सी दुकान है हमारे यहाँ पर पहाड़ के अंदर, ये आप लोग देख सकते हो इधर पहाड़ है और यहाँ पर छोटी सी दुकान है, तो इसके अंदर सब कुछ नाश्ता वगैरह मिल जाता है, ये चेक करो तो सब चीजें मिलती है। तो गाइस रऊफ भाई की दुकान को प्रमोट कर दिया है, तो अभी चलते है घर पे।
तो गाइस अभी मैं आ गया था घर पर और खाने वगैरह खा लिया, तो अभी कॉल आया है तालाब पर, काफ़ी लोग आ चुके हैं, वहाँ पर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब ये देखो काफ़ी बादल आ चुके हैं, तो अभी फटाफट से चलते हैं तालाब पर और दिखाते हैं आपको वहाँ के नज़ारे। तो गाइस अभी जा रहे हैं तालाब पर, वो रहा वहाँ पर तालाब, तो अभी वहाँ पर जाते हैं दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी जा रहे हैं पानी लेने के लिए, ये देखो अभी ये ढोलकी भर रहे हैं पानी से, फिर बाद ले जाएंगे तालाब पर। और बाल्टी भर दो, ये तो गाइस अभी इस टंकी के ऊपर चढ़कर बाल्टी भरेंगे, वहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। हाँ चढ़ूँ तो चढ़ भैया, ये देखो रशीद भाई बाल्टी भरो। गाइस पानी काफ़ी गहरा है, तो इसकी मदद से हम बाल्टी भरेंगे। रशीद भाई कुछ जुगाड़ करो, देसी जुगाड़। ये देखो मौसम धीरे धीरे बादल आ रहे हैं और इमाम भाई वहाँ पर फुल एंजॉय के साथ सो रहे हैं। ये देखो अभी वहाँ पर ले जाएंगे पानी। सभी लोग जा रहे हैं अभी